ओम शांति। 22 अगस्त 2021 प्रातः मुरली, अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली, तारीख 7 मार्च 1988। शीर्षक है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो, इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य है, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की ओर निशानियाँ क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी, वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हरेक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियाँ नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है, आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे, तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन यानी तनाव होने के कारण सभी का अटेंशन यानी ध्यान एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं के दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना? अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है! अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं, फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है?
ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सभी कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी से नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती, फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सीखी लदे बच्चों को कहते हैं। कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावन हार करा रहा है मुझ निमित करणहार द्वारा। मैं सेवा के लिए निमित बना हुआ हूँ, करावन हार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावन हार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है, आप तो सिर्फ निमित हो, भगवान विशेष करावन हार है। अकेले करते ही क्यों हो, अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई, जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावन हार हर कर्म में करा रहा है तो बोझ नहीं होगा, बोझ मालिक पर होता है। साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता, मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है, मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं, बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है ये, हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे, करावन हार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, और बाप का संबंध करावन हार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है, नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, हरेक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं
कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते हैं, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है, हम अपनी कमाई से खाते हैं यह संकल्प नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं, ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो, गृहस्थी तो नहीं हो ना, भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है। 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती, बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके, बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ, देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा, यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्यों को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है, डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं, अभी यह बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य, ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय दादी जानकी बम्बई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है, हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है, अगर खाना भी खाते हैं किसको बुलाकर खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते
सेवा ही सेवा है, ऐसे सेवाधारी हो सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा वरदान, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति।